वेलकम टू बी डिटेल दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड वन विभाग में ग्राम प्रेरक भर्ती 2023 के संबंध में जिसमें कुल मिलाकर 101 वैकेंसीज पास कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन कार्यालय वन संरक्षक दक्षिणी कुमाऊ वृत्त उत्तराखंड नैताल की ओर से इक्कीस छह दो को रिलीज किए गए जमरानी कैंट प्लांट प्रबंधन इकाई हेतु संविधान आधारित पदों पर यदि आवेदन पत्र माए गए जमरानी जलागम क्षेत्र उपचार परियोजना हेतु निम्नलिखित पदों पर परियोजना अवधि अर्थात दो छब्बीस सताइस तक परियोजना अथवा तो परियोजना अवधि विस्तार तक निम्नलिखित मानदेय पर संविदा आधार पर पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं समस्त पद नृतान है जो कि परियोजना अवधि पूर्ण होने पर स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे या नियुक्ति तैनात किए गए की सेवा कार्य असंतोष पाए जाने पर समाप्त भी किया जा सकता है इसमें कई सारी वैकेंसीज है वरिष्ठ परियोजना समन्वय की एक वैकेंसी है परियोजना समन्वय की एक वैकेंसीज है कनिष्ठ परियोजना समन्वय की एक डाटा एंटी ऑपरेटर की एक और ग्राम प्रेरक की वैकेंसीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी एक एक वैकेंसीज है संविदा या वाली वैकेंसीज है मानदेय मानदेय की बात करें तो मांदे इसमें एक हजार मानदेय ऐसे पदों में मानदेय बहुत कम रहता है लेकिन इसमें इसमें आपको बता दूं कि इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी रहता है उसको मैं क्लियरली वीडियो में नहीं बता सकता इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा है हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट या फिर स्नातक तथा सामुदायिक संगठनों के साथ कार्य करने का अनुभव इसमें मांगा है अर्थात हाई स्कूल इंटरमीडिएट या स्नातक यदि आपने किया है तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे अदर वैकेंसीज की बात करें तो डाटा एंट्री ऑपरेटर में एक वैकेंसीज है जिसमें संविधा वाली वैकेंसी है आठ हज़ार तिरासी रुपये इसमें मानदेय है विज्ञान कला विषय में स्नातक एवं कंप्यूटर में डिप्लोमा केंद्र राज्य सरकार से संचालित किसी परियोजना में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्य करने का दी एक बस का अनुभव है तो उसमें आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे कनिष्क परियोजना समन्वय की एक वैकेंसी जिसमें कि विज्ञान विषय के साथ स्नातक होना चाहिए प्लस केंद्र राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी परियोजना में कार्य करने का एक बस का अनुभव इसमें भी मांगा गया है और इसके अलावा जो वैकेंसी है परियोजना समन्वय की इसमें किसी वानिकी वनस्पति विज्ञान रूरल डेवलपमेंट सामाजिक विज्ञान में परा स्नातक अथवा राज्य केंद्र द्वारा सरकार द्वारा संचालित किसी परियोजना टीम में सहायक टीम लीडर के रूप में जनपद विकास खंड स्तर पर कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव इसमें मांगा गया है यदि क्वालिफिकेशन है तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं और वरिष्ठ परियोजना समन्वय की आपको वैकेंसीज भी मिल जाएगी इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा गया है आवेदन पत्र का प्रारूप कुछ इस तरीके से है प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन पत्र आपको भरना होगा आवेदन पत्र आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके प्राप्त हो सकता है यहाँ पर आयु के बारे में बता रखा है कि एक चार दो से आयु की काउंटिंग होगी तो यहाँ से आप अपनी आयु को घटा के जो यहाँ मैंशन कर सकते हैं और यहाँ पर जो सेक्स योग्यता मांगा है हाईस्कूल इंटरस्नातक परा स्नक अन्य कोई आपके पास योग्यता है तो उसका विवरण आप दे सकते हैं अनुभव यदि आपके पास है तो यहाँ पर आप उसके बारे में लिख सकते हैं समस्त पदों हेतु निर्धारित कार्य दायित्व जमरानी कैंट प्लांट की डीपीआर में उल्लेखित है समस्त पदों का कार्य जमरानी वन जलागम क्षेत्र के 101 ग्रामों व आरक्षित वन तथा वन पंचायतों समेत अथा लंबी पैदल यात्रा सक्षम अथवा समर्थ अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं यह बात और यह ग्राम सेवक के लिए न्यूनतम न रखने वाले आवेदकों का अभ्यर्थि निरस्त कर दिया जाएगा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में आवश्यकता अनुसार मध्य में अभ्यर्थी का कार्य निष्पादन मूल्यांकन भी किया जाएगा योग्य पाए जाने पर उसे आगे कार्य लिया जाएगा अभ्यर्थी का शारीरिक स्वास्थ्य क्षेत्र भ्रमण एवं सेवा युक्त उपयुक्त होना चाहिए अतः स्वच्छता प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करना होगा अर्थात आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी यहाँ पे लगाना पड़ सकता है तैनात कार्मिक मानदेय संबंधित मद में बजट प्राप्त होने पर उपलब्ध होने पर ही देय होगा अर्थात उससे पूर्व आपको सैलरी नहीं मिल पाएगी जब बजट इसका रिलीज हो जाएगा तभी आपको सैलरी इसमें मिल जाए मिल पाएगी ग्राम पर्यटक को चयन हेतु तो जमरानी क्षेत्र में पड़ने वाले ग्रामों के अनुसार ही व्यक्ति का चयन किया जाएगा तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट लाइन आप देख सकते हैं कि यदि आपका जो क्षेत्र है आप उस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं तभी जो है आप ग्राम सेवक के पोस्ट में अप्लाई कर पाएंगे अदरवाइज जो जितनी अलग वैकेंसी है उसमें उत्तराखंड के सारे कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे ग्राम पर्यटक के लिए संबंधित ग्राम के व्यक्ति को ही प्राथमिकता दी जाएगी तो संबंधित ग्राम में जो भी ग्राम है इसमें इसके बारे में आपको यहाँ पे पूरा मिल जाएगा ग्राम का नाम इस ग्राम में यदि इस ग्राम सभा के अंतर्गत यदि आपका डोमिसाइल बना है तब जाके जो है आप फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं इस पी को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं ग्राम पर्यटक का दायित्व या कार्य की बात करें तो संचार तथा रिपोर्टिंग का कार्य आपको करना होगा ग्राम पंचायत स्तर पर परियोजना कार्यान्वयन में परियोजना स्टाफ विभागीय कर्मियों का सहयोग करना होगा ग्राम पंचायत या ग्राम स्तरीय बैठकों प्रशिक्षण भ्रमण आदि का कार्य आपको करना होगा ग्राम पंचायत स्तर पर परियोजना कार्यों की निगरानी आपको करनी होगी और सूचना तथा ग्राम पंचायत स्तरीय रिपोर्ट आपको तैयार करना पड़ सकता है फॉर्म भरने की लास्ट डेट की बात करें तो फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है तेईस जुलाई दो है तो तेईस जुलाई दो तक जो है आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे तो दोस्तों ये था का वीडियो इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम का संपर्क शुद्ध मिल जाएगा उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए बाय बाय जय हिंद